अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेल, हम देख रहे हैं अनकही मोहब्बत की एपिसोड 19। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो है मायशा जो है गुस्से में पंखुरी को बहुत कुछ बोल देती है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी कैरेक्टर पे भी पंखुरी की कैरेक्टर पे भी वो सवाल उठा देती है, जिससे पंखुरी एकदम से टूट जाती है। और वो जो है पहले तो मायशा को खींच के एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मुझे तुमसे प्यार हुआ है इसलिए तुम्हारी करीब गई थी, मेरी कोई और इरादा नहीं था, मुझे तुम्हारी जिस्म नहीं चाहिए थी। वो बहुत सारे बातें करती है और फिर वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। जो मायशा है वो उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से गुस्से में क्या क्या बोल दिया मैं पंखुरी को, तो फिर वो अपने आप को बहुत हर्ट करती है और बस ज़मीन पे गिर के वो बस रोती जा रही थी और ख़ुद को कोस रही थी कि आखिर उसने ऐसा कैसे कह दिया उसको। जब उधर जब पंखुरी जो है वो एक मंदिर जाती है और वहाँ के रोते रोते अपनी जो कान्हा जी है उनको सारी बातें बोलती है और बोलती है आपने ये दिल क्यों दिया मुझे, और इस दिल पे उसके लिए इतना सारा प्यार क्यों, आप ये या तो मुझे ख़त्म कर दो या फिर इस दिल को चेंज कर दो, क्योंकि इस दिल में उसके लिए सिर्फ प्यार है, मैं चाहकर भी उसके लिए इस दिल पे नफ़रत पैदा नहीं कर पाऊँगी, तो आप मुझे ख़त्म कर दो, क्योंकि ना मैं उसे भूल पाऊँगी और ना उसके मेरे कैरेक्टर पर उठे हुए उस बातों को मैं भूल पाऊँगी जो उसने की है। तभी वहाँ पे एक पंडित जी आता है और वो पंडित वही है जो उसे पहली बार मिला था। वो उसे कुछ कहता है कि भाई हमें जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, कभी कभार इंसान जो बोलता है वो सही नहीं होता है। फिर वो जाते जाते एक बात बोलती है कि इंसान झूठ बोल तो लेता है लेकिन उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब मायशा को उसकी सारी गलती का एहसास होता है तो वो इधर उधर देखती है, तो पंखुरी को नहीं देखती तो वो बहुत परेशान हो जाती है, कार लॉक करती है और वो भागती है, पंखुरी को ढूंढती है। 10 मिनट बाद वो मंदिर पे आती है और देखती है कि पंखुरी वहाँ पे बैठ के एकदम से टूट चुकी है और रो रही थी। तभी वो एकदम से जाके उसकी पैरों पे गिरती है और बोलती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पंखुरी उसे एकदम से धक्का देती है, बोलती है तुम मुझे छुओ मत वरना फिर तुम मुझ पे आरोप लगाओ कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ। मायशा को याद आती है कि किस तरह से उसकी कड़वे बातों ने पंखुरी की दिल को इतनी ज़्यादा तकलीफ दी है, तो उसकी आँखों से जो आंसू है वो बस गिर ही रही थी। उसकी आंसू का आज कोई रोक नहीं होता, जो मायशा कभी नहीं रोती थी आज उसकी आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी आँखों से आंसू सीधा पंखुरी की पैर पे गिरती है, पंखुरी की थोड़ी सी उसकी तरफ देख के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो जगती है लेकिन अगले ही पल में वो खुद को संभालती है और उससे दूर हो जाती है। मायशा फिर भी उसकी करीब जाके उसको एकदम से हक करती है और उस हक बहुत ज़्यादा टाइटली करते है। पंखुरी छूटने की कोशिश तो करती है लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो खुद को छुरा नहीं पाती, वो बस उसकी बाहों में ही थी लेकिन वो उसको हक बैक नहीं कर रही थी। अब आगे पंखुरी बार बार बोल रही थी कि मायशा छोड़ो मुझे, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पे फिर से कोई आरोप लगाओ, तो यही अच्छी है हमारे दोनों के लिए
कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, मैं कल ही इंडिया वापस चली जाऊँगी। तुम फिकर मत करो, मेरी छाया भी तुम पे नहीं पड़ेगी अब कभी। मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊँगी, इतनी दूर चली जाऊँगी कि मेरी तुम्हारी ज़िंदगी से मेरी नामो निशान मिट जाएगी। जब पंखुरी ये चीज़ बोलती है तो मायशा को इतनी तकलीफ़ होती है ना, वो उसको हक करते हुए ही वो एकदम से है उसके पैरों पे आके गिर जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है और अपनी जो सर है उसके पैर पे रख देती है और बोलती है, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो मुझे, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी, मैं जानबूझ के नहीं की, मुझे उस वक्त मैं उतनी इतना गुस्से में थी कि मैं खुद नहीं जानती मैंने क्या क्या बोल दिया। यकीन मानिए मैडम, मेरी कोई इतनी इंटेंशन नहीं थी आपकी कैरेक्टर पे सवाल उठे, मैं ऐसी नहीं हूँ, आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो पंखरी जो है भाई, वो तो मोहब्बत है उसकी, तो अपनी मोहब्बत को यूँ उसके पैर पर देख के उसे अंदर से बहुत बुरा होता है और वो अपनी इस हालत पे हंसे या रोए वो बस मन में ही बोलते, क्या भगवान क्या कान्हा जी, मेरे सामने मेरी मोहब्बत अपनी मेरे पैर पे गिरी हुई है, मैं और क्या कहूँ, मैं अपनी इस हालत पे ना रो सकती हूँ ना हंस सकती हूँ। एक तरफ यही इंसान है जिसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाती है और एक तरफ यही वो इंसान है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे इस हालत पे नहीं देख सकती हूँ, क्या उलझन में फंसा दिया। तभी वो एकदम से बोलते, मायशा उठो। तो मायशा बोलते, नहीं आप पहले बोलो कि आप मुझे माफ़ कर दिए। बोलते मायशा, मैंने कहा मेरी पैर से अपना सर हटाओ, हटो यहाँ से, उठो पहले। तो बोलते नहीं, मैं तब तक यहाँ पे ऐसी ही रहूँगी जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगे। तो वो एकदम से जो है उसकी कॉलर पकड़ती है और उसको ऊपर खींचती है और बोलते, कैसे माफ़ करूँ तुमको, कैसे माफ़, किस बात पर माफ़ करूँ, यही कि मैं तुम्हारी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हूँ क्या, कि मैं तुम्हारे साथ सोने चाहती हूँ इस बात के लिए, या फिर ये कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ, मेरे कैरेक्टर पे दाग है, मैं तो ऐसी ही हूँ, अरे गरे किसी के साथ भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, और भी तो बहुत कुछ बोला, मैं तो अपने मुंह से निकल भी नहीं पा रही हूँ उस बात को। मायशा की नज़रें नीचे हुई थी तो पंखुरी एकदम से उसको चीन से पकड़ती और बोलती है, अब आँखें मिला के बात करने की क्षमता रखो खुद को, आँखें मिला के बात करो मुझसे। यूँ नजरें झुकाए करते वो लोग जो कायर होते हैं। तो वो फिर से एकदम से अपनी नीस पे आती है और जो है उसकी पैर को उसे करते हैं ना, पैर को पकड़ती है और उससे पैर से हक करती है और बोलती है, प्लीज़ मेरी वैसे कोई इंटेंशन नहीं थी आपको हट करने की या फिर आपकी कैरेक्टर पे कोई सवाल उठाने की, ऐसे कोई यानी इंटेंशन नहीं थी मेरी, वो जस्ट मैं गुस्से में थी, मुझे नहीं पता मैंने क्या कुछ बोला आपको, आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ये सब नहीं सोचती आपके बारे में। तो बोलते, तो वो फिर से बोलती है, एक तो तुम मुझे मेरे पैर को छूना बंद कर दो प्लीज़, क्योंकि क्या है ना, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और अपनी मोहब्बत को इस तरह कोई भी नहीं देख सकती, चाहे वो जितनी भी गलत करे खुद के साथ। तो
तो प्लीज़ तुम ये बार बार मेरी पैर पकड़ना छोड़ दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे, कम से कम ये तो मान लो। तो फिर उसके पैर छूटती है और बोलती है प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। और वो वहाँ पे ही अपनी नीज पे ही बैठ के अपने दोनों हाथ जोड़ती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया है पता नहीं अपनी स्टूपिडिटी बेवकूफ़ी की वजह से की है, गुस्से में की है। और मेरा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, मैं गुस्से में क्या करती हूँ मुझे नहीं पता। वैसे मुझे गुस्सा हमेशा नहीं आती है, लेकिन जब आती है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और गुस्से में मुझे पता है मैंने आपको बहुत हर्ट कर दिया, आप जो चाहे वो सज़ा दो मुझे। मैं कोई भी सज़ा मैं मुझे मंजूर है, बस आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। बोलती तुम्हें क्या सज़ा दूँ, मुझे तो खुद ही सज़ा मिल रही है तुमसे प्यार करने की, तुम्हें क्या सज़ा दूँ मैं। छोड़ो तुम जाओ मायशा यहाँ से, मैं बोली तो हूँ ना कि मैं कुछ देर बाद घर वापस चली आऊँगी, तुम जाओ और आज़ाद हो तुम, अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तभी वो बोलते आप ऐसे मत बोलिए प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लाइफ से जाओ। तो बोलते क्या चाहती हो तुम, क्यों नहीं चाहती, तो मुझे नहीं पता ये मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स है, मुझे नहीं पता। तो पंकुरी एकदम से बोलती है तो पता करो कि तुम्हें कौन सी फीलिंग है तुम्हारी दिल में मेरे लिए, जब मालूम पड़ेगा तो आ जाइयो मेरे पास, अब चले जाओ तुम मेरे सामने से। तो बोलती है आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, तो बोलती है तुम्हारी कही हुई बातें मिट नहीं सकती मायशा। वो अपनी जो फेस है दूसरी तरफ कर लेती है और बोलती है चली जाओ तुम यहाँ से, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। तो मायशा को बहुत हर्ट होती है क्योंकि उसे खुद पे इतना गुस्सा आती है कि उसने एक लड़की को उसकी कैरेक्टर पे इतना कैरेक्टर के ऊपर इतना कुछ बोल दिया कि वो लड़की अब उसकी ज़िंदगी से एकदम से बस चली जाना चाहती है। बस वो खुद पे इतना गुस्सा होती कि वहाँ पे जो है वो भाई फिल्मी चीज़ें करती है, लोग ये सब पता नहीं इनमें क्या मिलती है ये सब करके। खैर वो वहाँ पे जो एक होते हैं ना आरती जल रही थी, तो वहाँ पे जाके अपना हाथ रख देते और बोलते हैं जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी मैं यहाँ से हिलूँगी भी नहीं, और अगर आप सज़ा नहीं दोगी ना तो मैं खुद को दूंगी। तो पंखुरी ज़्यादा सोच नहीं, तो बोलते ऐसी कोई बात नहीं है तुम चले जाओ यहाँ से, ना मुझे तुम्हें कोई सज़ा नहीं देना है, बस तुम अभी यहाँ से जाओ। तो बोलती नहीं सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए ना, मैंने इस गलती की सज़ा अगर आप नहीं दोगे तो मैं दूंगी, लेकिन सज़ा तो मुझे मिल के रहेगी। तो पंखुरी का थोड़ी वेट लगती है ये चीज़, तो वो पीछे मुड़ती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है भाई सामने का नज़ारा जो है वो आरती के ऊपर सीधा हाथ रखती है और उसकी हाथ जो है वो जो होता है ना आप जब आग के साइड अपना हाथ रखते तो वो काला जो है एक काली उठती है, वो क्या चीज़ होती है यार मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हाथ एकदम से जो जलने लगता है जब पंखुरी ये देखती है, तो उसकी दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो सहम सी जाती है और भाग के आती है और उसकी हाथ हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायशा उस एक हाथ से पकड़ती है और उसके साइड करते रोते नहीं
अगर आप मुझे सज़ा नहीं दोगे तो मैं खुद को सजा दूंगी, क्योंकि इसकी हकदार हूँ मैं। मैंने जो किया इसका इसको ही डिज़र्व करती हूँ। तो प्लीज़, तभी जो पंखड़ी बोलती है मायशा हाथ हटाओ, ये हरकतें मत करो तुम। मैंने कहा हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे और हाथ हटाओ, तुम हटो यहाँ से। लेकिन मायशा जो है वो बस वहाँ पे खड़ी रहती है। अब जो उसकी हाथ एकदम जल गए थे, वहाँ पे निशान पड़ गए थे, तो पंखुड़ी एकदम से उसको हाथ अपनी साइड लेती है और जले हुए हाथ को अपनी गाल पे रखती है, बोलती है पागल इंसान, क्या दिमाग ख़राब है तुम्हारा। और वो वहाँ से जो होती है ना गंगा जल, एक साइड पे रखा जाता है उस गंगा जल, वो उस जो वो क्या कहते हैं उस जो पात्र है जहाँ पे गंगा जल हो, वहाँ पे उसका हाथ छुपो देती है। और जो आयशा की आंखें तो एकदम लाल हो गई थी, अब उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए थे। वो बस कुछ कुछ रिएक्ट नहीं थे, उसे ऐसा कोई फील ही नहीं होता कि उसके हाथ पे जलन हो रही थी या कुछ। पंखुड़ी बस उसके हाथ पानी में डाल के फिर बार बार मोछती है और अपने गाल पे लगाती है, बोलते तुम पागल हो क्या, सेंटी हो, ये क्या कर दिया तुमने। तो बोला क्या कर दिया मैंने, ये तो कुछ नहीं है। और ये बोल के वो खुद पे और ज़्यादा हट करने की कोशिश करती है, खुद को दो तीन चाटा मारती है और बोलती है ये तो कुछ नहीं, मैं तो और ज़्यादा डिजर्व करती। तो जो पंखुड़ी को गुस्सा आ जाती है और एकदम से उसको कॉलर से पकड़ती है और ये खींच के और मारती है और बोलती है बदतमीजी मत करो, हद पे रहो अपनी, और ये सब चीज़ों से तुम क्या क्या जताना चाहती हो कि भाई तुम बहुत ज़्यादा महान इंसान हो। पहले तो तुम किसी को कैरेक्टर पे यूं इस तरह से सवाल उठा लेती हो, फिर जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम क्या करते हो तो तुम ये हद कर लेते हो। तो बोलते मैं इस चीज़ को डिजर्व करती हूँ इसीलिए कि क्योंकि मैंने तो कहा था कि आप मुझे सजा दो, आपने कहा आप नहीं दोगे तो किसी को ना किसी को तो मुझे सजा देना था, तो मैंने खुद को दे दिया, बात खत्म। बोलते तुम पागल हो, फिर वो उसे बोलते चलो हॉस्पिटल, तो बोलती नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे बस आपकी माफ़ी चाहिए। तो बोलती क्यों कर रही हो ये सब तुम, क्या लगती क्या हो तुम मेरी, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी, बोलो क्या फीलिंग्स है तुम्हारी। तो बोलते मैं नहीं जानती कि क्या आप मेरी क्या लगती हो, बट आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, आपकी माफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं नहीं जानती ये कौन सी फीलिंग है, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि आप जैसा सोच रही हो वैसा कभी नहीं हो सकती है। तो पंखुड़ी वो चीज़ को वो अवॉइड कर देती है क्योंकि पता है अब मायशा का क्या कंडीशन है। वो बोलती है देखो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम पहले हॉस्पिटल चलो। तो बोलते मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, पहले आप बोलो आपने मुझे माफ़ की कि नहीं। तो बोलते यार एकदम से मैं कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने जो भी बोला वो मेरे मन में है, मेरे दिल पे लग गई वो बात, मैं कैसे वो बात भूल जाऊँ। तो बोलते तो ठीक है सजा दो मुझे, आप मुझे सजा दो, जब तक आपकी वो उसकी जो दिल पे टैप करके पॉइंट करके बोलती जब तक इस दिल मुझे ना माफ़ करे ना तब तक मुझे सजा दो। तो पंखुड़ी एक अजीब सी स्माइल करती है, पता नहीं वो कौन सी स्थिति में थी यार, बंदी मेंटली स्ट्रांग है बहुत, इसका तो ताव देनी होगी यार। सल्यूट ऑफ यू पंखुड़ी जी, सच में आप बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग हो यार। पर्सनली मैंने आपसे जब मिली थी, आपसे जब बात की थी, तभी मुझे लगा कि यार आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो और सच में मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मायशा से भी ज़्यादा। मायशा लकी है आपको पाके। तो फिर जो है पंखुरी वो एकदम से एक अजीब हंसते हुए बोलते हैं, जिस दिन मोहब्बत होगी ना तुमको, उस दिन तुम इस चीज़ को समझ पाओ कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम उस इंसान को थोड़ी सी भी तकलीफ़ में नहीं देख पाते, और तुम सज़ा देने की बात कर रही हो। तो बोलती है, नहीं, सज़ा तो आपको देनी होगी, मुझे मुझे आपकी माफ़ी चाहिए। तो बोलती है, तुम पागलपन मत बनो और चलो हॉस्पिटल। तो बोलती है, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगी। तो बोलती है, यार मायशा बात को समझो, मैं नहीं कर सकती माफ़ तुम्हें, ये मेरी दिल पे लग चुकी है, जब तक ये चीज़ अपने आप ही ख़त्म होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, और जब मेरे दिल कहेगा कि मैं माफ़ कर दूँगी तुम्हें तो कर दूँगी। तो वो बोलते हैं, ठीक है, मतलब आप मुझे माफ़ नहीं करोगी। फिर वो जाती है और अपना हाथ फिर से वो ऐसे ही रख देते हैं, तभी जो है वो फिर से खींचती है और उसे, अब वो एक थप्पड़, दो थप्पड़ और तीन, ऐसे ही दो तीन थप्पड़ और लगाती है। और बोलती है, समझती क्या हो तुम खुद को, क्या समझती हो तुम, अपने ही मन मर्जी करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है तो करती हो, नहीं अच्छा लगता है तो भी करती हो, सामने वाले इंसान की कदर करना सीखो। मैं बोल रही हूँ कुछ चीज़, सुनो मेरी बात। मैंने बोला ना तुमको कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे सकती हूँ मैं, थोड़ा टाइम दो मुझे संभालने की खुद को, अपने आप ही माफ़ कर दूंगी तुम्हें, तुम तो समझ ही नहीं रही हो। तो बोलती, नहीं, मुझे बस आपकी माफ़ी चाहिए, इसके लिए मुझे जो करना होगा तो करोगी। तो बोलती, यार मायशा ठीक है, तुम्हें माफ़ी चाहिए ना। तो बोलती है, हाँ माफ़ी चाहिए। तो बोलती, ठीक है, मुझसे शादी करो। तो वो एकदम से उसको घूर के देखते, बोलते, क्या मतलब? तो बोलते, हाँ तुम्हें माफ़ी चाहिए ना, करो मुझसे शादी। तो बोलते, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं हो सकता। बोलते, क्यों? अभी तो तुमने कहा ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो तुम मुझसे शादी कर लो, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। तो बोलते, ऐसा कभी नहीं हो सकता, देखिए आप मुझे सज़ा दो जो भी आपको देना है, लेकिन मैं ये चीज़ कभी नहीं कर सकती, और हम दोनों लड़की हैं, हम ये सब यहाँ पे ये सब नहीं चलता। तो बोलते, क्या सब कुछ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो अपनी नज़रें झुका लेती है और बोलते, बिल्कुल नहीं करती मैं। तो बोलते, अच्छा आंखें मिला के बात करो, और आंखों आंखों में मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो और बोलो यू डोंट लव मी। मायशा बोलती, मुझे क्यों कहना, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैंने बोला तो है ना, और आंखें मिलाने की क्या ज़रूरत है, मैं बोल तो रही हूँ कि हाँ मुझे नहीं है आपसे प्यार, और ये चीज़ कैसी है, ये सही नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ आप जैसा समझ रही हो, प्लीज़ आप बात को समझिए। तो बोलती, क्यों, आप क्यों पीछे हट रही हो, तुम्हें माफ़ी चाहिए थी, मैं माफ़ करती हूँ, मुझसे शादी करो। तो बोलती है, देखिए मैडम, आपको जो 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 सज़ा देनी है आप दो, आप चाहे मुझे मार लो, आप चाहे मुझे मार दो, लेकिन लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ कभी। तो बोलती, ये मैं क्या, आंखें मिला के बातें करो, यूँ आंखें क्यों छुपा रही हो कायरों की तरह। मायशा, मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुम नहीं समझ रही हो, या फिर समझ के भी ना समझ के
समझा ही नहीं चाहते हो, तुम नहीं समझना चाहते हो, क्या है बताओ मुझे। तुम जानती हो कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स है और तुम नहीं मानना चाहती हो चीज़, तो वो तो चुप होती हो, कुछ नहीं बोलते। बोलते देखिए मैडम मुझे बस आप माफ़ कर दो। तो बोलती है तो हाँ ठीक है करती हूँ ना, माफ़ कर लो शादी मुझसे। तो बोलती ये क्या शादी शादी लगा के रखी है आप, मैंने कहा ना मेरे लिए आपके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं कैसे करूँ शादी, और मैं अच्छी नहीं हूँ आपके लिए, आप क्यों बात को नहीं समझ रहे हो। आप बेटर डिजर्व करती हो, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं ठीक नहीं हूँ आपके लिए, आप बात को समझो। तो बोलते ये तुम डिसाइड नहीं करोगे ना कि तुम ठीक हो मेरे लिए या नहीं, ये मुझे डिसाइड करने दो। तो जो माइशा है वो एकदम से बोलती है क्यों नहीं डिसाइड करूँगा मैं खुद के बारे में, खुद से ज़्यादा कौन नहीं जानता है, मैं बोल तो रही हूँ ना कि मैं सही नहीं हूँ, मेरी बात समझे आप, और ये चीज़ यार नहीं हो सकता, प्लीज़ आप समझो। तो ये वो लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं इसमें, जो एक वक्त जो है जो पंखड़ी देखती है कि मायशा के हाथ में और भी जूते थी, तो वो अब ज़्यादा इस चीज़ को नहीं करती, वो बोलते हैं हॉस्पिटल चलो। तो बोलती है पहले आप बोलो। तो बोलो देखो मायशा दिमाग मेरा एकदम से हाई है, तुम ज़्यादा बोला मत करो, जो मैं बोलती हूँ बस वो करो, चलो यहाँ से। तो उसकी हाथ पकड़ती है और उसे खींच के वहाँ से ले जाती है। उस जाते जाने से पहले वो एक बार अपनी कान्हा जी को प्रणाम करती है और वो वहाँ से निकल जाती है, और जाके वो पैदल चलते हैं। और पहले ही ये लोग भीग चुके थे, अब बारिश तो हो ही रही थी, वो तो रुकी ही नहीं थी। तो वो लोग फिर से भीगते भीगते कार के अंदर जाते हैं, बैठते हैं और वो बोलते हैं हॉस्पिटल चलो। तो मायशा कुछ नहीं बोलती, पंखुड़ी दूसरी तरफ मुंह कर देती है, वो कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे पंखुड़ी के। तो मायशा एक दो बार तो देखती है, और उसे अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी। तो फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो पंखुड़ी है वो डॉक्टर से बात करके जो उसकी जो है वो एक ऑइंटमेंट लगाते हैं उसके हाथ पे, और वहाँ पे बैंडेज कर देते हैं और बोलते हैं ये बहुत जल गया है, ये ऑइंटमेंट दिन में 3 बार लगानी होगी और थोड़ा सेफली इन्हें रहना होगा। तो फिर कुछ मेडिसिन देती है, तो मायशा की नज़र एकदम से जो पंखुड़ी की लेफ्ट हैंड है उसकी जो हाथ की है, जो लेफ्ट हाथ की जो साइड की ऊपर से एरिया है वहाँ से छिल जाती है, थोड़ा सा कट लग जाती है। तो वो बोलती है कि या पेन को लगी है या पे, तो पंखुड़ी को भी उस चीज़ को ड्रेसिंग करा के बैंडेज करा लेती है। और फिर वो लोग वहाँ से आती है और कार में बैठती है, और कार में बैठ के फिर जो है वो ड्राइव करने लगती है। बारिश अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम हुआ है, तो अब भी हो रही है। वो लोग फिर धीरे धीरे जो है वो स्लोली स्लोली कार ड्राइविंग करके घर के पास तक आ जाती है। तो जैसे ही घर वापस आती है, जैसे ही पंखुड़ी कार से उतरेगी, तभी मायशा एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और उसकी आँखों में आंखें डाल के बोलती है देखिए मैडम मुझे नहीं पता मेरे दिल में आपके लिए कौन सी फीलिंग है, और मुझे जानना भी नहीं सच कहूँ तो, बस आप ये मान लो कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ और आप बेटर डिजर्व करती हो, तो अच्छा होगा कि आपकी जिल में मेरे लिए जो भी है वो आप ख़त्म कर दो, और मैं एक अच्छी दोस्त बन के रह सकती हूँ आपके साथ, हमेशा हमेशा हर मोड़ पे आप मेरा साथ पाओगे,
चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आप वो चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट ना करिए जो मैं नहीं कर सकती, जो मुझसे नहीं होगा कभी नहीं। और हाँ, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना प्लीज़। जब मायशा ये सब बोल रही थी, एकदम से उसकी आंखों में देख के, तो मायशा की आंखें भरी हुई थी और एकदम से उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। और जब वो आंसू गिरते हैं, जो पंखुड़ी उस आंसू को अपने हाथ में लेती है, फिर वो कुछ नहीं बोलती। वो बस अपने ही मन में कुछ सोच रही थी कि यार, इसकी आँखों में मेरे लिए प्यार साफ जाहिर हो रही है, लेकिन ये चीज़ मानना नहीं चाहती। फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से निकल आती है। और जब वो बाहर ही होने वाली थी, तभी मायशा एकदम से बोलती, आज जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर भी पंखुड़ी कुछ नहीं बोलती, वो सीधा घर आती है। हॉल में सब लोग बैठे हुए थे, तो जब पलक, आबिर और मायशा की मोम, पंखुड़ी, पलक की सास पंखुड़ी को देखते, तो पलक को पंखुड़ी की कंडीशन थोड़ा अलग लगती है, क्योंकि उसकी आंखें एकदम सूजी हुई थी, रोने के वजह से रेड हो चुकी है। तो वो कुछ समझने की कोशिश करती है, तभी पीछे से मायशा भी आती है। पलक जब मायशा को देखती है, तो वो और ज़्यादा शौक हो जाती, क्योंकि पंखुड़ी से ज़्यादा तो मायशा की आंखें लाल होती है। उसके आंखें एकदम भरी हुई थी, मानो ऐसा कि वो अभी रो के आई है। तो वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मायशा वहाँ से किसी को भी बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम पे चली जाती है। तो पलक पंखुड़ी की तरफ देखते हैं और वो कुछ बोलेगी, लेकिन तभी पलक की सासू बोलती है, पंखुड़ी बेटा तुम दोनों इतना भीगे कैसे हो? तो बोलती है, वो क्या बोले वो कुछ समझ नहीं, तो एकदम से बोलती कि गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो हम लोग एक साइड होके, तो जो वो एग्जांपल कुछ और ही दे रही थी जो सिचुएशन के साथ जो मिल नहीं रही थी। तो पलक समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। तो अबीर एकदम से बोलती, यार तुम दोनों बहुत ज़्यादा भीग गए, वो तो गई अपने रूम पे, तुम जाओ जल्दी जल्दी से ड्रेस चेंज कर लो, ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए। तो फिर जो पंखुड़ी फिर जाती है, पलक कुछ तो पूछना चाहती है, लेकिन उसे वो वक्त नहीं मिलता। उससे पहले पंखुड़ी भागती है और अपने रूम में जाती है। रूम में जाके वो पहले डोर ऑफ करता है, लॉक करता है, और वो डोर ऑफ करके शावर के लिए नीचे चली जाती है। और ये बहुत रोती है, वो चीख चीख के रोती है। और जो वॉशरूम की डोर लॉक था, रूम की डोर लॉक थी, तो उसकी जो चीखने की आवाज़ है वो ज़्यादा बाहर नहीं आती है। बहुत रोती है। और जो मायशा है, वो अपनी, दोनों ही, क्या सिचुएशन है यार, दोनों ही सेम सिचुएशन में थी। मायशा भी जाके सीधा शावर पे जाती है, वॉशरूम में, और शावर ऑन करती है। और उस वो इतना गिल्टी फील कर रही थी, वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी खुद से, तो बस उस हाथ को देख रही थी एकटक, जिस हाथ को मायशा ने, पंखुड़ी ने पकड़ी हुई थी। और बोलते हैं कि आज मैंने ये क्या कर दिया, मैं शायद, वो शायद इसलिए, इसके वजह से मुझे माफ़ भी कर दे, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगी और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। फिर जो लोग ड्रेस चेंज करते हैं, फिर जो नीचे आते हैं, डिनर करते तो है, लेकिन उन दोनों से ठीक से खाया नहीं जाता। पंखुड़ी तो भाई अपने ही दर्द में थी कि उसकी दिल टूट गई थी। जो पलक है, वो इन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी, वो क्या पूछे।
मायशा भी कुछ ठीक से नहीं खाती, फिर वो सब लोग को बाय बोलती है और अपने अपने रूम में चली जाती है। अब जो है पंखुरी और मायशा के बीच ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती उस दिन, वो सब अपने अपने रूम में चली जाती है। और उस रात ना मायशा सो पाती है और ना पंखुरी, दोनों के मन में बहुत सी चीज़ें हो रही थी। मायशा तो अपनी ही गिल्ट में थी और इधर जो पंखुरी वो सोची कि इसकी आँखों में साफ दिखता है मेरे लिए प्यार, लेकिन ये मानना ही नहीं चाहती, अब मैं क्या करूँ। तभी उसे जो है वो उस पंडित जी की बातें याद आती कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता है नहीं है। सामने वाला इंसान झूठ भी बोल सकता है लेकिन आंखें कभी नहीं झूठ बोलती। ये चीज़ सोच के उसकी फेस पे थोड़ा सा स्माइल आ जाती है, बोलते चलो कम से कम उसकी वो ना माने से लेकिन उसकी आंखें तो मानती है ना, उसकी आंखें तो झूठ नहीं बोलती। मेरे लिए प्यार उसकी आंखों में झलकती है लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही है। फिर अगले दिन जो होती है, मायशा तो सो नहीं थी, वो बस जागी हुई थी और सोच रही थी कि जब पंखुरी ने उससे सवाल किया कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो वो आँखें मिला के क्यों नहीं बोल पा रही थी कि हाँ नहीं करती मैं आपसे प्यार। वो बोल सकती थी लेकिन वो पता नहीं उसके अंदर से वो चीज़ आई ही नहीं। फिर सुबह होती है, सुबह जब होती है जो मायशा तो जगी हुई थी और आज जो है पंखुरी उठ के उसके पास रूम के पास नहीं जाती है। वो उठती है, फ्रेश होती है, वो भी नहीं सोई थी रात भर, तो थोड़ी सी आँखों पे वो दिख रही थी साफ साफ कि ये लोग नहीं सोए। फिर जो ये लोग फ्रेश होती है नीचे आते हैं, दोनों अपनी रूम से निकलते तो है लेकिन पंखुरी जो है वो इग्नोर कर देती है और सीधा नीचे आ जाती है। जो पंखुरी की नोज़ है वो एकदम से लाल थी आज, तो मायशा एक बार नोट तो कर लेती है लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पलक जो है वो ऑब्जर्व करती है मायशा और पंखुरी दोनों को कि रात से ही ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच ये चीज़ कुछ अलग ही है। ये सोचती जा रही थी तभी सब तो है मायशा वहाँ से ऑफिस चले जाती है। अबीर भी आज ऑफिस जाता है तो पंखुरी जो है वो अबीर एकदम से बोलती तुम तो स्कूटी लेके नहीं आई हो तो मैं छोड़ दूँ, तो पंखुरी एकदम से बोलती नहीं आप जाइए मैं कैब करके चली जाऊँगी। मायशा समझ जाती कि वो अब भागने की कोशिश करती है मायशा से, तो वो कुछ नहीं बोलती, बोलती अच्छी है दूर मुझसे दूर रहेगी तो सही बात है, यही अच्छी है उनके लिए। फिर जो है सब लोग जाते हैं अपने अपने कामों पे। जो पंखुरी जब उसकी सेंटर में मेंटर के वहाँ जाते हैं तो आज जो है उसकी मेंटर जब उसे देखती है तो शॉक हो जाती है कि भाई कल जो इंसान थी और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसकी आंखें सूजी हुई थी, वो बातें बहुत ज़्यादा कम कर रही थी, हमेशा से हंसने वाली मजाक मस्ती में रहने वाली आज एकदम से गुमसुम बैठी, जैसे मानो उसकी शरीर में कोई जान ही नहीं हो। तो वो एकदम से बोलती है क्या हुआ, तो पंखुरी बोलती कुछ नहीं मैडम, तुमने नहीं तुम आज कुछ बदले से बिहेव कर रही हो, क्या हुआ। बोलती नहीं मैडम कुछ नहीं है, तो बोलो मुझे बोलो पंखुरी आखिर क्या हुआ, तुम इस हालत पे क्यों हो। तो जब वो ये बोलती है तो अपने आप ही जब पंखुरी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब उसकी मैडम ये हाल देखती तो एकदम से उसके पास जाके उसे टाइटली हग करते, बोलते क्या हुआ बेटा तुम रो क्यों रही हो,
क्या हुआ, किसने क्या कह दिया? तो एकदम से रोते रोते बोलती है, किसी की कोई हिम्मत नहीं है मुझे बोलने की, लेकिन मैंने जिस इंसान को इतनी शिद्दत से चाहा, इतनी शिद्दत से मोहब्बत की, उसी इंसान ने कल मुझ पे तोहमत लगा दिया कैरेक्टरलेस होने की, मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। और वो पूरी सिचुएशन जो किसकी बात भी, वो एकदम से जो है पूरी चीज़ क्लियर करके जो इसकी मैडम को बोलती है, वो मैडम उसे थोड़ा सा संभालती है और अपने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक करते हुए बोलती है, इट्स ओके, पॉजिटिव लो ना, तुम्हें जब लगता है कि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है, वो बस मानना नहीं चाहती है, तो तुम उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार तो देखती हो ना। कभी कभार ना पंखुरी क्या होता है ना, हमें ना एक्शन से पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान के मन में क्या है हमारे लिए, उसकी जो बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होती, तुम बस उसकी एक्शन पे ध्यान दो, वो क्या बोलती है, क्या मीन करती है, उस पे ध्यान दो, उसके एक्शन से ही पता चल जाएगी तुम्हें। तो पंखुरी बहुत रोती है और रोने के बाद उसे जब थोड़ा हल्का महसूस होती है और बोलती है थैंक यू मुझे संभालने के लिए, बोलती है मैंने नहीं संभाली है तुमको, तुम खुद एक साइकोलॉजिस्ट हो, तुम खुद को संभाल सकती हो, बहुत अच्छी, आई नो दैट यू आर ए ब्रेव गर्ल, सो डोंट बी सैड। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो बात अलग है, लेकिन उसके एक्शन पे ध्यान दो ना कि उसकी बात पे। तो बस बोलती है, उधर जो पलक है वो पंखुरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि उसने देखी थी कि उसकी नोज़ रेड हो गई थी, और ये तभी होता है जब पंखुरी की तबीयत ख़राब होती है या फिर ख़राब होने लगेगी, तब ये होती है जो मनी, वो जो है ना तबीयत ख़राब होने की पहले जो सिग्नल है वो देती है, वो उसकी यार जो है उसकी नोज़ एकदम से रेड हो जाती है, उसकी आंखें थोड़ी सी सूज जाती है, अलग फील होता है। तो पलक जब ये चीज़ सोचती है तो बहुत परेशान हो जाती है, तो एक दो बार कॉल करती है, तो पंखुरी को लगती तो है कि उसकी अंदर से जो टेम्परेचर है तो वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो वो लेकिन वो चीज़ वो पलक को नहीं बोलती, वो सब बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, फिकर मत करो। तभी जो है उसकी मैडम वहाँ से बोलती है, मुझे कुछ काम है, क्या तुम जाओगी? बोलती नहीं, मैं आज नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ। बोलता अच्छा ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे, संभालो खुद को, मैं आती हूँ। तो वो जाती है और आकाश भी देखती है पंखुरी की ये हाल, तो वो उसे बात करते है, उसके माइंड डाइवर्ट करता है, कई हद तक वो कर भी लेता है, क्योंकि भाई वो तो मस्ती मजाक में रहने वाला इंसान, तो वो कई हद तक डाइवर्ट कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जो है पंखुरी की तबीयत ख़राब होने लगती है और उससे अब हाई फीवर आ चुकी है। तो जब उसे एहसास होता है तभी एकदम से जो है वो बोलती है कि जो वो बोलती है आकाश को कि मैं कुछ देर यहाँ पे रेस्ट कर लूँ, तो बोलते हैं हाँ हाँ बेशक कर लो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा बात करता हूँ। तो ये बोल के वो फ़ोन करके वहाँ से निकल जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगा के बातें करने लगता है। और जो पंखुरी है अब उसके बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही थी, उसके अब जान नहीं थी शरीर पर, वो एकदम से जो है सोफे पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। आकाश को तो लगता है कि वो रेस्ट कर रही है, लेकिन वो तो उसके करीब नहीं है, उससे टच नहीं की थी, अगर टच किया होता तो शायद पता से लग जाता कि भाई इसको हाई फीवर है। पलक को ये एहसास हो जाती है कि पंखुरी की तबीयत, तो कॉल करती है पंखुरी को, लेकिन अब पंखुरी फ़ोन नहीं उठाती है, तो पलक परेशान हो जाती है। तो फिर वो अबीर को कॉल करती है, अबीर एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में था दूसरे साइड पे,
तो वो कॉल रिसीव करता है लेकिन वो कुछ सुने बिना ही बोलते हैं, पलक मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ, और अगर कुछ इमरजेंसी हो तुम मायशा को बोल दो। तो ये बोल के वो बिना कुछ सुने ही फिर कॉल कर दे। पलक कुछ ज़्यादा नहीं सोचती क्योंकि उसे पता है कि कुछ अभी वर्क का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है। तो वो फिर मायशा को कॉल करती है, मायशा को कॉल करती है, मायशा एक रिम पे कॉल उठा लेती है, बोलते हैं हाँ हाँ मैडम क्या हुआ, सब ठीक है, आप ठीक हो? बोलते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि पंखुड़ी ठीक नहीं है तुझे भी, ये बोलती है। तो मायशा एकदम से अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है, बोलती क्या मतलब मायशा, उनको क्या हुआ? तो बोलते जब वो सुबह जा रही थी तो मैंने देखा था उसकी नोज एकदम रेड थी, और ये तभी होते हैं जब उसको तबीयत ख़राब होती है, और मैंने अभी उसको 5-6 बार कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। मुझे उसकी चेंबर पे जाना है, क्या तुम मुझे ले जाओगी वहाँ पे? तो बोलती है हाँ मैं ले तो जाऊँ, लेकिन सर को बोला आपने, बोल तुम्हारी सर बिजी है, क्या तुम जाओगी? बोलते हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ, तो ऐसा बोलते हैं, और वो मीटिंग रूम के साइड पे जाता है और इशारे से ही कार की दिखाती है अभी को, और बोलती है कि मैं कार लेके थोड़ी बाहर जा रही हूँ। तो अभी भी उसे बोलते हैं ओके जाओ। फिर वो अपनी कार को जो बहुत ज़्यादा स्पीड पे लेके पहले तो घर जाती है, फिर पलक को साथ लेती है, फिर वो वहाँ पहुँचती है चेंबर पर। और उधर जो आकाश है गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद वो रूम पे आते, देखते कि जो पंखुड़ी है सोई हुई है, लेकिन वो जिस पोजीशन पे सोई हुई है वो थोड़ा उसको अजीब लगता है। वो बोलते कि ऐसे कौन सोता है? फिर वो उसके पास जाके उसे उसकी सर पे जो एक कुशन होते हैं ना सोफे की, वो देने ही वाले थे, जब वो छूता है उसको वो एकदम से शॉक हो जाते। उसकी बॉडी तो हाई टेम्परेचर हुई थी एकदम से, जो उसे लगता है कि भाई उसका हाथ जल जाएगा। वो एकदम से बोलते वो उसको थोड़ा सा हिलाती है, पंखुड़ी पंखुड़ी ठीक हो तुम यार, ये क्या, तुम तो बेहोश। फिर वो ऐसे बोल के वो घबरा जाता है, और जो है वो उसकी हाथ को पकड़ती है, और वो होता है ना मालिश जैसे करने, ऐसे हाथ को या करती है कि शायद थोड़ा गर्म हो जाए, कि माथे पे जब वो हाथ लगाता है उसे लगता है कि हाथ जल जाएगा उसको, ऐसा उसकी पूरी बॉडी से हीट निकल रही थी। तभी वो अपनी मैडम को कॉल करती है, और तब मैडम जो है वो कुछ चीज़ शायद बिजी थी, वो फ़ोन नहीं उठाती है। अब वो सोचती है कि वो क्या करेगा, तो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पे पलक और मायशा पहुँच जाती है। मायशा जब ये देखती कि ये उसकी ज़्यादा करीब आ रही थी तो उसे ये चीज़ थोड़ा अजीब लगता है, उसे पता नहीं एक अजीब फील होती है, और वो एकदम से जाते हैं और उसे धक्का देते, बोलते क्या कर रहे हो तुम? तो बोलते यार तुम लोग यार, बोलते हाँ क्या कर रहे हो तुम उनके साथ? बोलते यार कुछ नहीं, इसको ये बेहोश है। तभी बोलते बेहोश है मतलब क्या हुआ? तो बोलते यार देखो ये बेहोश है, फीवर है इनको, मैं बस इनको उठा के ठीक से सुलाने की कोशिश कर रहा था। तो जब मायशा उसकी तरफ देखती तो उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी और वो हीट को महसूस कर सकती थी। तो जब ये देखती तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पलक तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। बोला मैंने कहा था कि ये इसका ये हालत होगी, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, ये इसको फीवर सूट नहीं करती, जब फीवर होता है ना इसकी बॉडी पे कोई जान नहीं होती, एकदम से जो कमज़ोर हो जाती है, इसको फीवर एकदम से तोड़ देती है अंदर से। अब तो बोलते हैं जो मायशा है उसे समझाती कि आप परेशान मत हो, मैं उठाती हूँ। वो एकदम से जो है वो उसको गोद में उठा लेती है, और जब वो उसको गोद में उठाते जब वो देखती है कि उसकी बॉडी की जो हीट है, तो एकदम से जो है उसे दिल में बहुत ज़्यादा पेन होती कि ये इनको इतना फीवर कैसे हो गया है।
तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या मायशा अब क्या करेगी, क्या फीवर, इस फीवर से क्या होता है, कैसे वो संभालेगी, तो देखते हैं आगे की एपिसोड में। और आज इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दो और शेयर कर दो, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी, और खूब सारा प्यार बांटो। खुदा हाफिज़।